डब्ल्यूएचओ का जो आंकड़ा आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं दुखद भी है, क्योंकि उनका कहना है कि कोविड के चलते हिंदुस्तान में 47 लाख मौतें हुई, जो कि आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। और यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें कोविड के चलते हिंदुस्तान में हुई थी। चिरपरिचित अंदाज में मोदी सरकार ने, इनके मंत्रियों ने, इनके विशेषज्ञों ने, इनकी ट्रोल आर्मी ने डब्ल्यूएचओ को तो भला बुरा कहा ही, उनकी मेथोडोलॉजी तक को क्वेश्चन कर डाला है। लेकिन एक सत्य यह है कि पिछले साल का वो मंजर याद करिएगा, जब बेदम होकर तड़प रहे थे लोग, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, गंगा में लाशें तैर रही थी, वही भयावह स्थिति, और शमशान और कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगी हुई थी, वही भयावह स्थिति कोविड के चलते इस देश में थी, जिसको इस सरकार ने झुठलाना चाहा। आखिर ये वही सरकार है जिसने सदन में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं हुई, और सबको याद है कैसे बेदम और तड़प रहे थे लोग बिना ऑक्सीजन के। सवाल दो ही है कि आंकड़े क्यों छुपाए गए, ये कुत्सित काम क्यों किया गया। क्या आज भी मोदी जी कोविड प्रबंधन के लिए श्रेय लेंगे? क्या आज भी वैक्सीनेशन पे अपनी फोटो चिपकाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था, जिसका मतलब है कि हर पीड़ित को 4 लाख रुपए देने होते, सरकार इससे मुकर गई, क्या आंकड़े इसलिए छुपाए गए? लेकिन असलियत इस पूरे देश को पता थी, असलियत उन पीड़ित परिवारों को पता है, असलियत हम सबको पता है, क्योंकि हम सबने या तो कोई संबंधी, कोई चाहने वाला, कोई पास पड़ोस वाला, कोई साथी, सहकर्मी, किसी ना किसी को खोया है। लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, और अब WHO ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो हर बार आप लीपापोती नहीं कर सकते हैं। अपने देश में जिनकी जाने गई, उनके लिए थोड़ा आदर, थोड़ा सम्मान तो दिखाइए। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चलते जो 4 लाख रुपए देने हैं प्रति पीड़ित को, वो तो दीजिए, अब तो दीजिए।